वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो फैक्ट्स विद हैक में आपका स्वागत है जी। यहाँ छह ऐसे रीजन जिससे आपको पता चल जाएगा कि पैलेस्टीन क्यों हार रहा है और इसराइल क्यों जीत रहा है और ये युद्ध हो क्यों रहा है, मेन कारण ये। रीजन नंबर वन, जी हाँ, शुरुआत करते हैं रीजन नंबर वन के साथ। जैसा कि आपको पता है कि आज जहाँ पर इसका मुख्य कारण यह भी है कि आज जहाँ पर इसराइल, पैलेस्तीन और जेरूसलम, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पहले पैलेस्तीन ही हुआ करता था। जी हाँ, है ना अमेजिंग बात, बिल्कुल आपने सही सुना। रीजन नंबर टू, जी हाँ, रीजन नंबर टू, इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि पैलेस्तीन का विभाजन, जिससे पैलेस्तीन अपना हक वापस मांग रहा है। ये बंटवारा किसने किया और क्यों किया? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, बिल्कुल सही, पैलेस्तीन का विभाजन यूएनओ ने 14 मई 1948 में किया था, जिसमें पैलेस्तीन को 48%, इसराइल को 44% और जेरूसलम को 8% हिस्सा दिया गया था। जी हाँ, रीजन नंबर थ्री, एक कारण इसका यह भी हो सकता है कि जेरूसलम में एक शेख जर्रा नामक एक जगह है, वो शेख जर्रा। अब शेख जर्रा, आज से 150 साल पुरानी बात करें तो शेख जर्रा पैलेस्तीन के पास थी। पहले जो अरब लोग थे उन्होंने यहूदियों को ये जगह बेच दी थी। जी हाँ, तो इसराइल की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जर्रा में जितने भी पैलेस्तीनियंस हैं उनको वहाँ से हटा दिया जाए और उनके घर को तोड़ दिया जाए। हालांकि पैलेस्तीनियंस कह रहे हैं कि आज 150 साल पुरानी बात क्यों छेड़ी जा रही है, पर उनकी एक भी ना चली और उनके घर उन वहाँ पे तोड़ दिए गए। जी हाँ, रीज़न नंबर फोर, ये घटना उसके बाद की है। जेरूसलम में मुस्लिम की थर्ड होलीस्ट प्लेस है, जिसका नाम अल अक्सा मॉस्क्यू है। जी हाँ, अल अक्सा मस्जिद। जब अल अक्सा मस्जिद में फ्राइडे को शाम को लोग वहाँ हज कर रहे थे, जैसे वो लोग हज करके निकले तभी उनकी झड़प हो जाती है इसराइल की फोर्स के साथ और दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो जाती है। पैलेस्तीनी को कोई भी वीपन या कोई भी फोर्स का यूज़ करना मना है। जी हाँ, उनको अलाउ ही नहीं है कोई भी वीपन चलाना है, इसलिए वो सिर्फ पत्थर और हाथों से लड़ते हैं। पैलेस्तीनियन सिर्फ पत्थर और हाथों से लड़ते हैं, इसराइल की फोर्स सारे वीपन यूज़ करके लड़ रहे थे, जिसके कारण क्या होता है कि इसराइल को ये पता चलता है, इसलिए उन्होंने वहाँ पर अपनी फोर्स भेज दी थी, जिससे इसराइल के ऊपर बहुत से सवाल उठे थे। जी हाँ, इसराइल के ऊपर, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट को, इसराइल को देने पड़े। रीज़न नंबर फाइव, जो पैलेस्तीन है उसमें दो राज्य हैं, एक वेस्टर्न बैंक और दूसरा गाजा पट्टी, जिसमें वेस्टर्न बैंक नरम दिल है, मतलब वो लड़ाई नहीं चाहता, वो कहते हैं ये हमारे पूर्वजों की ज़मीन है। जी हाँ, गाजा पट्टी जो कि सुर्खियों में, जिसे आपने सुना होगा, और दूसरी तरफ गाजा पट्टी जहाँ से मिसाइल चलती है। और आप सोच रहे होंगे कि जब पैलेस्तीन को वीपन अलाउ नहीं है, हथियार अलाउ ही नहीं है, तो ये हथियार आए कहाँ से? चलिए आपको बताते हैं। गाजा पट्टी में ईरान का समर्थन है और वहाँ पर एक हमस नामक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बोलता है कि पैलेस्तीन हमारा है और ये हमें दे दो, इसलिए मिसाइल छोड़ देता है इसराइल पर, जिससे लड़ाई हो और ही ज़्यादा बढ़ रही है। रीज़न नंबर छः, चलिए आपको बताते हैं कि पैलेस्तीन हार क्यों रहा है और इसराइल जीत क्यों रहा है। जी हाँ, आपको ये कारण भी बता देते हैं। जो पैलेस्तीन है उसमें हमस संगठन है कसम रॉकेट लॉन्च करती है, जिसकी कीमत 3 लाख रुपये है। ये कसम रॉकेट ऐसी है, ये किसी एक राज्य को तो तबाह नहीं कर सकती, परंतु अगर इसे किसी पब्लिक प्लेस पे छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे मौजूद जितनी भी जनता होगी ये उन सबको मार देती है। पर हमस का इन रॉकेट को लॉन्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसराइल का पास एक आयरन डॉम डिफेंस सिस्टम है। जी हाँ, आयरन डॉम, जो क्या करता है कि वो रॉकेट लॉन्च होते ही आयरन डॉम वो डिफेंस सिस्टम उस रॉकेट को हवा में ही तबाह कर देता है, जिससे कि उस रॉकेट का कोई फ़ायदा नहीं होता पैलेस्टीनियन की तरफ से। ये रीज़न है कि इसराइल जीत रहा है और पैलेस्तीन हार रहा है। और हाँ, इसराइल का एक जीतने का मुख्य कारण ये भी है कि इसराइल में प्रत्येक व्यक्ति एवं महिला एवं पुरुष को 3 साल की ट्रेनिंग, आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है। जी हाँ, आर्मी ट्रेनिंग 3 साल की, और वहाँ पर हर एक के पास अपनी पर्सनल एक गन होती है, हर एक के इसराइल पीपल के पास। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टा।